बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कह रही है गंगा सफाई अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो 2019 में हुआ था ना, वही 2024 में होगा, यानी कि उन्होंने साफ ये संदेश दिया है कि 2019 में जिस तरीके से मोदी सरकार बनी है, उसी तरह 2024 में एक बार फिर से बनेगी। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गंगा आरती के वक्त की है। गंगा आरती में शामिल होंगी कंगना रनौत और इसके बाद केदारनाथ दर्शन के लिए भी जाएंगी। भगवान शंकर की आराधना में भी कंगना रनौत नजर आएगी। फिल्म एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। मैडम, मुझे उमेश जी यहाँ के विधायक है, उनके क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? ये यहाँ जहाँ के विधायक उमेश जी हैं उसके उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इनको ये छोटे में मत छोड़िएगा, इनको पूरा आप उस लोकसभा भी दीजिए, उसके बाद और जिम्मेदारी दीजिए। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य के काम करने का मौका मिलता रहता है और गंगा जी के साथ में स्वामी जी के भी दर्शन करने का मौका मिला, इनका आशीर्वाद हमें मिला, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी जी, तो गंगा को लेकर जितना भी जागरूकता आ रही है, चाहे गंगा को सफाई से लेकर हो या हमारी संस्कृति में और हमारे धर्म में गंगा जी का क्या महत्व है, उसके प्रति जागरूकता हो, ये हर तरीके से हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये संभव किया है। नहीं तो आपको पता है कि पहले क्या दुर्दशा थी और जिस तरह से नदियों की जब दुर्दशा होती है, धर्म स्थानों की दुर्दशा होती है, तो मानवता की भी फिर दुर्दशा होने लग जाती है। वो एक तरीके से संकेत ही होते हैं इन सब चीज़ों के। तो अच्छी बात है जय कि मोदी जी जो हैं मानवता के साथ साथ धर्म का भी कल्याण कर रहे हैं।